गरियाबंद जिले के राजा पड़ाव शोभा गोरगांव साहाबीन कछार नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरसात के साथ ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। बरसात के साथ ही यह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। मैनपुर मुख्यालय से लगभग 15 गांव पूरी तरह से कट जाते हैं। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र का यह बाघ नाला बरसात के साथ ही एकाएक पानी बढ़ जाने से जहां एक ओर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तो वहीं गंभीर मरीज डिलीवरी पेशेंट पढ़ने वाले बच्चे एवं आवश्यक काम से मैनपुर जाने वाले लोग के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग मोटरसाइकिल चार कंधों के सहारे पर ले जाते हैं। कुछ तो इतने घबराते हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर ही बैठकर चार लोगों की कंधे के सहारे नाला पार करते हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पिछड़ा क्षेत्र अपने विकास का इंतजार कर रहा है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 7 बार इस नाले का टेंडर हो चुका है, पुल बनाने के लिए टेंडर हो चुका है, किंतु दुर्भाग्य यह है कि कोई भी टेंडर लेने वाला सामने नहीं आ पाया, जिसके चलते प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। जैसे ही टेंडर लेंगे तत्काल पुल निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर यह भी बात सामने आ रही है, यह क्षेत्र पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके चलते भी ठेकेदार घबराए नजर आते हैं। गरियाबंद जिले का राजापड़ा एरिया बहुत अति संवेदनशील एरिया है। इस क्षेत्र में बरसात के दिनों में जो 5 नदियां हैं, अड़गड़ी नाला है, जरीडी नाला है, शोभा नाला है, बाघ नाला है, गरहा नाला है, इन नदियों के लिए निश्चित तौर पर पुल की स्वीकृति मिल चुकी है, फिर भी शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। आए दिनों जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, राहगीर हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कल का ही मामला देख लीजिए, कल शिविर लगना था, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के 3-4 पंचायत के गांव लगभग 20-25 गांव जो है टापू में तब्दील हो गया, वो शिविर में नहीं पहुंच पाया, तो मजबूरन प्रशासन को शिविर को पोस्टपोन करना पड़ा। ऐसे जैसे शिक्षक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको परेशानी, और स्वास्थ्य विभाग भी वही हाल है, बीमार जैसे पड़ जाते हैं तो उधर गरहड़ी नाला और बाघ नाला में बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मरीज को उधर ही मर जाना पड़ रहा है। ये सब सारी समस्या है, लेकिन आज समस्या को सरकार गंभीरता नहीं ले रहा है। राजा पड़ाव गोरगांव मार्ग पर बाघ नाला में पुल का निर्माण किया जाना है, इस हेतु 7 बार टेंडर कॉल किए जा चुके हैं, हाइयर टेंडर रेट होने के कारण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, पुनः निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निविदा जैसे ही पूर्ण होती है तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाएगा।